ये सांप का खोल है, काफी पुराना है सांप का खोल है ना साहब, साला ये दुपट्टा का ये है। चल अबे लाल चंदन नहीं है, अबे इसको लाल चंदन बोल रहा है, अबे ये आंख है पेड़ का। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समर मलिक, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लाल पहाड़ करके एक पहाड़ है, एक माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए या ट्रैकिंग के लिए कह सकते हैं। अपने शिफ्टैन वेट कर रहा है वहाँ पे, शिफ्टैन कॉल किया था कि समर भैया जा रहे हैं चलिए, तो हम कह रहे थे कि धूप बहुत ज़्यादा है और कल उठा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो छाता हो तो ले नहीं सकते, अब काले हो तो हो जाए। कहाँ हैं बाकी लोग? तो बाकी लोग आ रहे हैं, उन लोगों को वेट करते हैं। माज है, शिफ्टैन है, शहरियार है, बढ़ा जाए ना उन लोगों को वेट करना, बढ़ना कि उन लोगों का वेट करना, बढ़ना कि वेट करना उन लोगों का। किधर से जाना? हम लोग पीछे का रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे से भी एक रास्ता है जो मेन रोड होते हुए निकलता है, बट वो काफ़ी लॉन्ग रूट है, तो हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग ऑफ रोडिंग के लिए। ये उसी तरफ से निकलता है, तो हम लोग इस पहाड़ को पहुंचने के लिए, देखो ये देखो तालाब में मछली पकड़ी जा रही है, देख रहे हो पानी काफ़ी कम हो चुका है, लोग मछली पकड़ रहे हैं, तो हम लोग को वहाँ जाना है, हम लोग उस तरफ असल में जाना है। पीछे मास है पूरा, पहले भी भाई मास भी। हाँ तो गाड़ी मेरी आग उगल रही है भाई, तो चलो सफ़र की दुआ पढ़ लेते। सुभान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हाँ तो ये देखो हम लोग पहुँच गए भूखा से एक गाँव में, और ये रास्ता कुछ कुछ आप लोग को याद आ रहा होगा, तो इस तरफ से हम लोग वो वाले मेन रोड को पकड़ लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से गड़गड़ाते हुए निकलेंगे जी। ओ आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी मतलब पहुँच गया होगा, फिर हो सकता है कि आज, क्योंकि उस दिन ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि रास्ता न्यू था, तो इन लोगों को बोलते हैं थोड़ा आगे बढ़ने के लिए ताकि ये लोग भी हमारे कवर हो जाए। ये रहा माज, माज है अपने RS 200 में, कहाँ रह गए शिफ्तान? ये रहा शिफ्तान और शहरियार, हाँ फैसल खान का रोल में दोनों को ही है, गमछा लपेट करके यहाँ को वासेपुर में जो फैसल खान है उन लोगों की तरह दोनों लग रहा है। तो यार देखो रोड बना हुआ नहीं, उसकी वजह से ना जो बाइक है ना वो थोड़ा सा ऐसे से भाग रही, टेढ़ा होकर भाग रही है, और इसमें इसी रास्ते पे स्किड करने के चांसेस में थोड़ा ज़्यादा होता है। और सबसे बुरी बात क्या है कि अगर आपके बाइक में, अगर आपके टायर में हवा कम है और हवा ज़्यादा है तो दोनों में दिक्कत हो इसमें होगी। बहुत मॉडरेट और एकदम लेवल का होना चाहिए हर चीज़। अगर टायर में हवा ज़्यादा होगा तो टायर में गिट्टी घुसने का चांसेस है, और अगर हवा कम रहेगा तो बाइक सही से चलेगी नहीं आपकी, तो थोड़ा सा ना भागता इधर उधर। तो देखो यहाँ पे कुछ शायद ट्रक फंस गया था, उसी का इतना सारा मलबा है, फिर शायद कोई JCB वाला ना गिरा दिया। कहाँ चला गया वो रास्ता? देखो वो लोग आगे निकल गया, ठीक है ना, इस वाले से हम लोगों को लेना है राइट। आओ पीछे आओ, मास तो सरसरा के चला गया एकदम आगे, आगे से भी रास्ता, बट ये शॉर्टकट है, अगर शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो हर जगह हम लोग शॉर्टकट यूज़ करें। यूजुअली क्या अभी आम का सीज़न है, देखते कुछ आम मिल जाए तो मज़ा आ जाए। देखो उस टाइम हम लोग शाम में आए थे, बट आज हम लोग दिन में आए हैं क्योंकि थोड़ा ऊपर चढ़ना है हम लोग, इरादा ऊपर चढ़ना है। और देखो कुछ लोग शायद ऊपर पहाड़ पर से, अरे एलोवेरा लेकर गए यार, वो एलोवेरा था, देख रहे हो यार ज़रा भी हवा नहीं चल रही है। हाँ तो हम लोगों का क्या प्लान है कि बाइक को नीचे पार्क करके, पार्क नहीं बाइक को नीचे खड़ा करके हैंडल लॉक करके हम लोग ऊपर टॉप पे चढ़ेंगे, जहाँ तक चढ़ पाएंगे चढ़ेंगे, वहाँ पे दोस्त लोगों के साथ है मज़ा बहुत आएगा। यहाँ से कहीं पे से भी हम लोग चढ़ाई शुरू कर सकते, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना कि बाइक को ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक लेके जाने का। ये रहा इस तरफ से हम लोग ले लेंगे राइट, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर करेंगे हम लोग अपने बाइक को पार्क, हैंडल कर देंगे और हैंडल कर देंगे लॉक। हाँ तो चढ़ाई का आगाज़ यहाँ से शुरू करते हैं, हम लोग सब पैदल है, कैमरा ले लिया, फटके चार हो रही है अभी तो, वैसे इनिशियल स्टार्टिंग ही है, चढ़ाई एकदम सीधे है। शिफ्तान कैसा लग रहा है? शिफ्तान थोड़ा सा मैं कैसा लग रहा है? हाँ ये तो 20 फीट चढ़ करके माज एक छोटा सा होल्ड रेस्ट लिया,
तो ये देखो फट के चार हो रही है। नीचे देखो कैसा स्लोप है, खड़ा स्लोप है एकदम साला। हाँ इसी रास्ते को हम लोगों को फॉलो करना है, ठीक है, ये एकदम टॉप पे लेके जाएगा हम लोगों को। एक डंडा ले लेना भला ही साला। अबे इतना ही में टाइट हो गया। अबे नीचे देखो एकदम स्लोप है साला। चलो चिप्टान लाल चंदन यहीं से निकलता क्या? हाँ चल, पुष्पा का शूटिंग यहीं हुआ था बोल रहा है। इतने लोगों ने यहाँ पर चला है तो उसकी वजह से देखो यार एक रास्ते की तरह बन गया और हम लोगों को आम की खुशबू मिल रही है। भैया सांस फूल रहा है, माधुरी चल चल। मांस दुबला पतला सड़क ऊपर चला गया, उसके बाद शहरियार है, उसके बाद शिफ्तान है, सबसे पीछे में साला लोग हमको छोड़ा है। यहाँ से लुढ़के तो जब तक नीचे नहीं पहुँच जाते तब तक रुकोगे नहीं। तो हम लोग काफ़ी ऊँचे ऊपर आ गए भाई, 100 फीट से ज़्यादा, 100 फीट तो कुछ भी नहीं है, खड़ी ढलान है साला। हाँ शिफ्तान कुछ शॉट्स लेते हुए भींग है, पूरी तरह से भींग है। ये कौन सा पेड़ है भाई, सर कमेंट में बताना कौन सा पेड़ है। जो भी है यहाँ तक आने के बाद अब देखना है कि सबसे हाइटेड प्लेस कहाँ पे है। ऊपर वाले से तो हम लोग को जाना एकदम टॉप पे, ठीक है, बस इस रास्ते को फॉलो करना। चढ़ तो कोई भी जाता है, फटती उतरने में कभी भी। अगर ट्रैकिंग कर रहे हो तो कोशिश करना हमेशा ये जो रास्ता बना है इसको फॉलो करने का, ये तुमको चढ़ा भी देगा उतार भी देगा। तो फट रही है तो पैर फट रही है। ये है यहाँ का सबसे हाइटेड पार्ट। हाँ हाँ सांप का खोल था बीच। एक बार का एक्सपीरियंस बता रहे हैं, यहाँ पे मेरे भाई लोग आए थे तो एक जंगली बैल था, एक नहीं जंगली बैलों का झुंड था, वो उन लोग पे अटैक कर दिया था, ठीक है। तो जानवर से बच के रहना, कभी पहाड़ पे आना तो बाप रे बाप। ये देखो जरा ये यहाँ का सबसे हाइटेड पार्ट है। यहाँ से पूरा जगन्नाथपुर दिखता है, शायद कोई चीज़ होगी जो नहीं दिखता होगा यहाँ पर से। देखो यहाँ से स्लिप किया तो सीधे नीचे, हाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे यहाँ पे। देखो हाँ देख लो, ऐसा लगता है पहाड़ के ऊपर का व्यू। देख रहे हो हर तरफ हरियाली है। क्या है कि बताते हैं कि हो सकता है बहुत साल पहले क्या है ना कि शायद यहाँ से पानी बहता होगा तो बीच में ना एक गली की तरह बन गया, साइड साइड से फैल गया। देख रहे हो ये देखो यहाँ पे शहरियार और माज। माज कैसा लग रहा है? हालत खराब। शहरियार कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। अच्छा ऊपर आने के बाद सांस थोड़ा फूला फूला लग रहा है ना, हाइट की वजह से लग रहा है ना, हम लोग चल के आए इसकी वजह से लग रहा है। हाइट भी एक रीज़न है और हम लोग थोड़ा सा ना वो क्लाइंबिंग किया तो उसकी वजह से भी कह सकते हैं। ड्रोन रहता था ड्रोन उड़ा के दिखाते थे, हो सकता कैमरा वो व्यू ना कैप्चर कर सके जो हम लोग की आंखें कैप्चर कर रही है। आए थे हम कुछ आम तोड़ने वोड़ने के लिए, साला आम तो दिख नहीं रहा, कहीं सगुआ पत्ता दिख रहा है यहाँ पे। तो कुछ फोटो ले लेते हैं हम लोग, तब तक टाइम लैप्स का मज़ा लीजिए। एक बार दिखा दे कि देख लो कैसा शार्प ये है, पर इधर से एकदम नीचे गए तो घुलटते 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 नीचे। इधर देख लो वही चीज़ है, यहाँ इस जगह पे आओ तो बहुत सेफ, हाँ बहुत सेफली रहना है। देख लो देख रहे हो कैसा खाई है, सारा खड़ा पत्थर है यार, नुकीला पत्थर। तो कभी भी आना तो ज़्यादा एज पे मत आना,
बस यहाँ से भी निकलने की कोशिश करते हैं, कुछ फ़ोटोज़ उठाया, काफ़ी कड़ा धूप अब लगने लगा यार, तो बस यहाँ से निकलते हैं। देखो ज़रा हवा, देखो तूफान चल रहा है यार। कभी भी आना ऊपर में, अगर कभी जंगल हो तो प्लीज़ यार तोड़ ताड़ मत करना पेड़, ठीक है ना। बहुत से लोग आते हैं ऐसा करते हैं और इतने सारे पेड़ को नुकसान पहुँचा ऐसे तोड़ देते हैं, तो ये काम कहीं मत करना। तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से वापस हो रहे हैं, खुशी खुशी चढ़ गए थे, बट चढ़ाना बहुत हार्ड काम है यार। इस साल नीचे पत्थर, अरे हेलमेट पहन के कुछ दिखता नहीं साला, तो हम हेलमेट पहन के ही ऊपर चढ़ गए क्योंकि माइक भी लगा हुआ हेलमेट में, आवाज़ अच्छी आती है। तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हम पैर में फंस रहे हैं। इस साल देखा, देखो ये सांप का खोल है, काफ़ी पुराना है सांप का खोल है ना साहब, है साला ये दुपट्टा का ये है, चल दुपट्टा का लेस दिखा रहा, अब बोल रहा सांप का खोल है, गधा सा। चलो पूरी तरह से भींग गए हम लोग, देख रहे हो किसको कहते हैं माउंटेन ट्रैकिंग यार। देखो हम लोग को एकदम नीचे जाना, मास ब्रेक लगा के जाना, हाँ हैंड ब्रेक लगाना। चलो हाँ ये तो कोई नहीं, इसको लगता है कोई पुष्पा देख के ना लाल चंदन कोशिश, हाँ देखो अबे लाल चंदन नहीं है अबे, ये तो इसको लाल चंदन बोल रहा है, अबे ये आँख पेड़ का, कोई पुष्पा देख के ना शायद हर पेड़ में लाल चंदन ढूंढ रहा था, मतलब बहुत सारा ऐसा ना, ये देखो ये टांगी से मारा हुआ है, शायद वो काट के देखा था लाल चंदन है क्या। हाँ देखो इधर भी टांगी का मारा हुआ दाग, लाल चंदन नहीं है भाई, यहाँ पे लाल चंदन नहीं मिलता, तो बराए मेहरबानी पेड़ काटना वरना मत। यहाँ पर ना ये देखो ये साला स्लिप कर रहा बहुत ज़्यादा, हम जूता पहने में तो छोटे छोटे पत्थर पैर के नीचे आ जा रहा, स्केट कर रहे हैं, और देखो बाहुबली साला ये ब्रेक देखना ब्रेक नहीं लगता है, ठीक है ना, जस्ट एक बार नीचे गए मतलब गए, इसलिए कोशिश करना दौड़ना कभी नहीं। और अपनी बाइक, बाइक दिख रहा, और कभी भी आना तो ना तो किसी पेड़ को तोड़ना और ना ही यहाँ की कोई हैबिटेट को ना डैमेज मत पहुँचाना। कुछ लोग क्या होता है देखो गिरगिट वहाँ पे उसको देखे मारने लगते हैं, तो ये काम कभी मत करना, और फिर मिस कर जाते हो तो फिर से मारते हैं, वो देखो कभी मत करना ऐसे। हाँ आधा रास्ते नीचे आ गए, तो हम लोग जल्दी लाल पड़ा से नीचे उतर गए क्योंकि कुछ काम नहीं था, प्यास भी लग गया था, पानी का बोतल अपने पास नहीं है और कुछ काम पड़ गया था हमको, तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए हुए ऊपर से अच्छी फ़ोटोज़ लिया, सीधे नीचे आ गया। यार जूता मेरा धाम धाम मार रहा है यार एकदम, इसमें ज़मीन गर्म है ना, बड़ा थकता है ये लोग यार, अरे साला उतना दूर जाना है ये लोग। शिफ्टन एक बार ढला तो शिफ्टन वहां तक पहुंच गया, रुक जाना था इधर शिफ्टन चला गया उधर, इसलिए आराम आराम से उतरना। फिर गोल गोल पत्थर जो है ना ये इसे स्केट कर रहा है जूता हमारा। तो फाइनली हम लोग लाल पहाड़ से नीचे उतर गए, ऊपर की व्यू बहुत अच्छी है, बशर्ते अगर कभी चढ़ना हो तो देख लेना कि धूप ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर धूप में जाओगे तो पागल हो जाओगे, काले गलूठे तो हो ही जाओगे साथ साथ पागल भी हो जाओगे। हाँ तो ये लोग किसी और के आने का वेट कर रहे हैं, शायद कोई और दोस्त आ रहे हैं, ये लोग फिर से ऊपर जाएंगे आम चोरी करने, आम तोड़ने के लिए, चोरी करने किसी की प्रॉपर्टी नहीं हो, बट हम निकल रहे हैं वापस कि हमको कुछ काम है। ये लोग बोले कि हम लोग आज फुल बेगारी है, तो इन लोगों को यहीं पर रहने दिया जाए, हम निकलते हैं। आज के लिए इतना टूर काफ़ी है यार, अपना काम भी रहता है ना, काम छोड़ करके हम आधा घंटा निकाला था, आधा घंटा काफ़ी है वीडियो इसके लिए। तो चलो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।